आज हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का शॉर्टकट। स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या आता है? अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 64 का, सपोज कीजिए आपको नहीं आता है, तो प्रोसेस क्या है? 2 से कीजिए 32, 2 से 16, 2 से 8, ये है। इसमें से तीन में से एक को बाहर करेंगे, इसमें से तीन में से आंसर क्या होता है? 4। ये नंबर छोटा है तो इतना समय लगा, बड़ा होगा जितना ही बड़ा होते जाएगा आंसर उतना ही बड़ा होगा और हमको डिवाइड करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली क्लास 8 को डेडिकेट कर रहा हूँ। ये वीडियो क्लास 8 के लिए रामबाण होगा और जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र होगा। देखिए, अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है किसी भी नंबर का, हम ले लेते हैं कोई नंबर 10648, 10648 है, इसका क्यूब रूट हमको फाइंड करना है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? मेरा पहला स्टेप होगा कि लास्ट 3 डिजिट को अलग करें। लास्ट 3 डिजिट को अलग कर लिए और ये लास्ट 8 का क्यूब कितना होता है? 512। इसका यूनिट डिजिट लिखना है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, हम लिख दिए। अब यहाँ कितना बच गया? 10। 10 से कम किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। ये आपका आंसर 22 हो जाएगा। 10648 का क्यूब रूट क्या होगा? 22 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 32768 हमारा ये क्वेश्चन है। 32768 हमारा क्या है रूल? लास्ट 3 को अलग करना है, इसका क्यूब करना है 512 का यूनिट डिजिट 2 डालना है, 32। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 3 का 27 इससे कम आ रहा है इसलिए यहाँ पे 3 डालेंगे, 32 आंसर हो जाएगा 32768 का। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा ये क्यूब रूट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 328509। रूल क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। यहाँ पे आपको क्या डालना है? 9। 328 5 का क्यूब 125। देखेंगे कि इसका क्यूब इसके इससे कम है या इसके नियरेस्ट है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का होता है 343। 343 से कम है मतलब यहाँ पे क्या होगा? 69 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं 21952, ये है। इसमें भी हमको क्या करना है? अंतिम 3 अंक को अलग करना है, लास्ट वाले का क्यूब करना है। 2 का क्यूब 8 है तो 8 ही आएगा। 21 से कम किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, क्योंकि 3 का क्यूब तो 27 होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा, 28 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं एक और 74088। इसमें क्या करना है? अंतिम 3 को अलग करना है, 8 का क्यूब होता है 512, यहाँ से 2 ले लेना है। 74 से कम किसका क्यूब होता है? 4 का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 238328, ये है। ये 6 डिजिट का है। हम अंतिम तीनों को अलग करेंगे, 8 का क्यूब 512, यहाँ से 2 ले लेंगे। 238 से कम किसका क्यूब होता है? 216, 6 का, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 62। आशा करता हूँ कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, छोटा सा 970299। 6 डिजिट का क्वेश्चन है, लास्ट 3 को हम अलग करेंगे, लास्ट 3 को अलग करेंगे 9 का क्यूब होता है 729। यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, 970 किसके क्यूब से कम है? देखिए 970, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, मतलब कि 1000 से कम है, मतलब यहाँ ये 9 होगा, 99 आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्यूब रूट फाइंड करने का ये तरीका बहुत ही बेहतरीन हमको लगा, इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। अब हम बताते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका हम लोग अब देखेंगे। अब हम लोग स्क्वायर रूट सीखने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट अगर आपको चाहिए 9025 का, 9025 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारा काम क्या होगा? अंतिम 2 डिजिट को अलग करना है। 5 है, 5 के लिए 5 ही लेना है। 5 का कुछ रूल्स है आपको याद रखना होगा, जैसे लास्ट में 1 आए तो 1 और 9 पॉसिबिलिटी है, जैसे लास्ट में 4 आए तो 2 और 8 पॉसिबिलिटी है, 5 के लिए 5 पॉसिबिलिटी, 6 के लिए 4 और 6, 9 के लिए 3 और 7, ये सब पॉसिबिलिटी है। तो जैसे हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हम लास्ट दोनों को अलग करेंगे, 5 है तो 5 के लिए केवल 5, यहाँ 5 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 90 है, किसके स्क्वायर से कम है? किसके स्क्वायर से?
मतलब 90 से कम किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसको सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आ जाएगा, 90 आ गया। ये तो इसके इक्वल ही आ गया, मतलब ये 9 यहाँ आएगा, 95 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन लेते हैं 5184, सपोज कीजिए ये है आपका क्वेश्चन 5184, लास्ट टू को अलग करना है, फोर के लिए रूल क्या है, टू और एट, मतलब यहाँ टू भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, अभी तक क्लियर नहीं है। ये 51 से कम किसका स्क्वायर है, तो 7 का, उसको क्या करना है, उसको सक्सेसर से मल्टीप्लाई, 56 आ गया। ये 56 51 से क्या है, बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है, तो इसमें से छोटा नंबर आप ले लीजिए। ये 51 क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, इससे, इसलिए ये 2 ले लेंगे, 72 आंसर हो जाएगा 5184 का। एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 8464, लास्ट टू डिजिट को अलग करेंगे, फोर के लिए आपका है 2 और 8, 84 से कम किसका स्क्वायर होता है, तो 9 का, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सक्सेसर से, मतलब 10 से, तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 84 और 90 में कम है, 84 छोटा है, तो इसमें से छोटा लेंगे, मतलब आपका आंसर क्या होगा, 92 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 5929 ले लेते हैं, लास्ट में क्या है, 9 है, 9 के लिए रूल क्या कहता है आपका, 3 भी कहता है और 7 भी कहता है, यहाँ ले लिए, 59 से कम किसका स्क्वायर है, 7 का, सक्सेसर क्या है इसका, 8 है, कितना होगा, 56। इसमें देखेंगे 59 बड़ा है, तो इसमें बड़ा कौन है, 7, तो 77 आपका आंसर हो जाएगा, 77 आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 6241 लास्ट में है, 1 के लिए रूल क्या कहता है, 1 के लिए कहता है 1 भी और 9 भी, 62 से कम किसका स्क्वायर है, तो 8 का, तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 ही लेना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा सक्सेसर से, 56 और 62 में मिले, 62 बड़ा है, इसलिए इसमें से बड़ा, मतलब 79 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं 3481, देखिए लास्ट में क्या है, 1 के लिए आप क्या लीजिएगा, 1 और 9 लीजिएगा, 34, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36, 6 नहीं ले सकते हैं, 5 लीजिएगा, सक्सेसर से मल्टीप्लाई, 30 हो जाएगा। ये 34 और 30 में 34 बड़ा है, तो इसमें से बड़ा यहाँ आएगा, 59 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सब लोग के समझ में ये आ गया होगा।